शिक्षा की गुणवत्ता में मध्य प्रदेश पूरे देश में पांचवें नंबर पर पहुंच गया है, वो भी बगैर किसी हुहल्ला के, ना ही किसी विज्ञापन के। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने प्रदेश सरकार की तारीफ की, लेकिन उसके साथ ही माना जा रहा है कि उन्होंने केजरीवाल के ऊपर निशाना भी साधा। पूरा मामला क्या है विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल मध्य प्रदेश में आज प्रदेश सरकार की तरफ से नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए और इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़े। उन्होंने तमाम नव नियुक्त शिक्षकों को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल सरकार के ऊपर, या यूं कहें कि दिल्ली के स्कूल मॉडल के ऊपर निशाना साधते हुए वो दिखाई दिए। उन्होंने प्रदेश सरकार की तारीफ की, साथ ही कहा, मुझे खुशी है कि एमपी सरकार ने इस वर्ष 1,00,000 से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा है। इस साल के अंत तक 60,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति का भी लक्ष्य है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे में एमपी ने शिक्षा की गुणवत्ता में बड़ी छलांग लगाई है। इस रैंकिंग में एमपी का स्थान 17वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंच गया है, यानी 12 नंबर की छलांग, और वो भी बिना हो हल्ला किए, बिना शोर मचाए, बिना विज्ञापनों पर पैसे लुटाए, चुपचाप। इस तरह का कार्य करने के लिए समर्पण चाहिए। समर्पण के बिना यह संभव नहीं होता है। एक प्रकार से साधना भाव चाहिए, शिक्षा के प्रति भक्ति भाव चाहिए। मैं मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को, मध्य प्रदेश के सभी शिक्षकों को, एमपी सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में इस महत्वपूर्ण सिद्धि के लिए और इस मौन साधना के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल 1,00,000 से भी ज्यादा सरकारी पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा है। इस साल के अंत तक 60,000 से भी ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति का भी लक्ष्य है। शिक्षा की गुणवत्ता में मध्य प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई है। इस रैंकिंग में मध्य प्रदेश का स्थान 17वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंच गया, वो भी बिना किसी हुहल्ला किए, बिना पेपर में विज्ञापन दिए। इस तरह के काम करने के लिए समर्पण की भावना होनी चाहिए। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के जरिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर निशाना साधा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस कार्यक्रम को पीएम मोदी ने वर्चुअल रूप से संबोधित किया। ये भी बता दें कि इस संबोधन में पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ की, साथ ही अरविंद केजरीवाल सरकार पर बिना नाम लिए वो हमला करते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी तमाम विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात पहले ही कह चुकी है। प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपना संगठन भी लगातार मजबूत कर रही है। ऐसे में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों में एंट्री करने जा रही है। आम आदमी पार्टी ने तमाम विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। साथ ही प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करती भी दिखाई दे रही है। वहीं पीएम मोदी भी इस उद्बोधन के जरिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।